नमस्कार साथियों, हम दोबारा से लाइव हैं केवी मीसा कैंट और केवी बोकाजन के मैच के साथ। केवी बोकाजन टॉस जीतकर इन्होंने पहले रेड डाली और फर्स्ट रेड में उनको एक पॉइंट मिला है। अब केवी मीसा कैंट की तरफ से असफल प्रयास, एक असफल रेड और एक पॉइंट केवी बोकाजन की टीम को जाता हुआ। केवी बोकाजन का जर्सी नंबर 2 प्लेयर रेड डालने के लिए जाते हुए 5 प्लेयर केवी मीसा कैंट के कोर्ट में मौजूद, मैदान में मौजूद। केवी बोकाजन के एक सक्सेसफुल टैकल केवी मीसा कैंट की तरफ से, जर्सी नंबर 9 प्लेयर की तरफ से एक सक्सेसफुल टैकल और एक पॉइंट जाता हुआ केवी मीसा कैंट के खाते में। मीसा कैंट के हरफन मोला रेडर बोनस पॉइंट को लेने की कोशिश करते हुए, लेकिन बोकाजन की टीम पहले से ही कवर करके रखा हुआ है बोनस की लाइन को, और एक असफल प्रयास बोकाजन के कैचर की तरफ से जिसका खामियाजा भुगतना पड़ा केवी बोकाजन को, और एक पॉइंट केवी मीसा कैंट टीम के खाते में जाता हुआ। आप जर्सी नंबर 8 प्लेयर बोकाजन की तरफ से रेड डालते हुए क्वालिफाइंग लाइन को क्वालिफाई करते हुए, क्रॉस करते हुए, उसको टच करना नहीं क्रॉस करना होता है जो कि वो क्रॉस कर चुके हैं, और बोनस पॉइंट जो जिसको पूरी तरह से हाइड किया हुआ है केवी मीसा कैंट ने, और एक अच्छा प्रयास तो नहीं कहेंगे हम, बिल्कुल क्वालिफाइंग लाइंस से थोड़ा आगे जाके पकड़ने की कोशिश, और एक अनसक्सेसफुल टैकल जर्सी नंबर 12 की तरफ से केवी मीसा कैंट को, इसका खामियाजा एक पॉइंट के रूप में भुगतना पड़ा। अब रेड केवी मीसा कैंट की तरफ से, खिलाड़ी हरफन मोला जर्सी नंबर 8 एक बहुत फुर्तीले रेडर केवी मीसा कैंट के, बहुत अच्छा खेल लेते पिछले मैच में भी है, और एक बहुत ही बेहतरीन प्रयास, बिल्कुल जस्ट सेंटर लाइन से एकदम क्रॉस कर लिया, और यहाँ पर शायद कुछ इंजरी हुई है प्लेयर को, मेडिकल स्टाफ अभी देखेंगे, और रेफरी ने ऑब्जर्व किया है कि यस ही इज ओके, मेडिकल स्टाफ तरफ से अब ऑब्जर्व किया जाएगा कि कहीं इंजरी ज़्यादा तो नहीं देखने में सही लग रहे हैं। अब बोकाजन की तरफ से जर्सी नंबर 8 रेड डालते हुए 4 प्लेयर केवी मीसा कैंट के मैदान में मौजूद, बिना कोई लाइन, बिना कोई प्लेयर को टच किए जाते हुए, लेकिन जर्सी नंबर 2 केवी मीसा कैंट के प्लेयर जो थे लास्ट वाली लाइन उसको क्रॉस कर गए थे, जिसकी वजह से उनको आउट दिया गया है, और एक पॉइंट बोकाजन टीम को। बोकाजन टीम जो कि नॉर्थ लखीमपुर से हार गई थी पूरी तरह से। अब जर्सी नंबर 7 केवी मीसा कैंट की तरफ से सक्सेसफुल रेड जिसके परिणाम स्वरूप तीन खिलाड़ियों को टच करने पर तीन नंबर्स का इजाफा केवी मीसा कैंट की खाते में। अब रेड डालने की बारी केवी बोकाजन की टीम की, जर्सी नंबर 9 एक मेन रेडर बोनस पॉइंट को क्लेम कर रहे हैं कि उन्होंने लिया, लेकिन रेफरी की तरफ से इस तरह का कोई इशारा नहीं। बोनस पॉइंट पे सिर्फ टच करना नहीं होता, क्रॉस करके पैर उठाना होता है, और एक असफल प्रयास केवी मीसा कैंट की तरफ से। जर्सी नंबर 12 के खिलाड़ी बिल्कुल सेंटर लाइन के पास जाके पकड़ने की कोशिश, जो कि एक असफल प्रयास। ये ध्यान रखना होगा कि जब आप कोई टैकल करने जा रहे हैं तो वो एक ध्यान दिया जाए कि बिल्कुल सेंटर लाइन से दूर हो, ताकि टाइम मिल सके दूसरे खिलाड़ियों को आने के लिए। अब रेड केवी मीसा कैंट की तरफ से, और बिल्कुल क्वालिफाइंग लाइन से थोड़ा आगे। अब देखना होगा कि टच किया है या नहीं किया है लाइन को, रेफरी के निर्णय का इंतजार रहेगा, और हाँ बिल्कुल टच किया है सेंटर लाइन को, और 2 पॉइंट केवी मीसा कैंट के खाते में, और बढ़त बढ़ाते हुए केवी मीसा कैंट की टीम। केवी मीसा कैंट के साथ सभी 7 प्लेयर्स मौजूद हैं, और एक मौका है बोकाजन टीम के रेडर के लिए कि वो एक बोनस पॉइंट हासिल करें। बोनस पॉइंट लेकर भी एक बड़ी आसानी से थोड़ा लीड ली जा सकती है, और एक असफल प्रयास केवी मीसा कैंट के तरफ से टैकल नहीं कर पाए जर्सी नंबर 6, और एक पॉइंट केवी
वो कचन को, और ये क्लेम करते हुए जर्सी नंबर 7 की उन्होंने टच कर लिया एक प्लेयर को, रेफरी को, रेफरी की तरफ से सही, बिल्कुल सही उनका जो क्लेम था बिल्कुल सही है, रेफरी ने भी उस पर मोहर लगाई है। और एक नंबर एक स्कोर केवी मिसा कैंट की तरफ से, और केवी मिसा कैंट के जो मेंटर हैं मिस्टर शाहिद, जो नेशनल खेल के आए हैं पिछले कुछ वर्षों में, वो उनकी तरफ से स्ट्रेटजिक टाइम आउट लिया गया है। केवी मिसा कैंट जो फिलहाल लीड में है, मैं अपने साथ इरशाद जी से गुजारिश करूंगा कि थोड़ा स्कोर देख के बताएं। केवी बोकाजान की टीम का स्कोर 8 और मिसा कैंट का 12, 4 पॉइंट्स का यहां पर इजाफा डिफरेंस है। और बोकाजान की टीम जो अपने पिछले मैच में कुछ अच्छा नहीं खेली थी और काफ़ी बड़े अंतराल से नॉर्थ लखीमपुर से हार चुकी थी, इस बार बहुत अच्छा खेल रही है, बेहतरीन खेल खेल रही है। और यहाँ पर क्रॉस करते हुए क्वालिफाइंग लाइन को वो कर लिया है, बोनस पॉइंट लेने का वो क्लेम कर रहे हैं, वो रेफरी का देखेंगे कि वो लिया है या नहीं लिया है, ठीक है। जैसे कि बोनस पॉइंट 6 या 6 से अधिक प्लेयरों में क्लेम किया जाता है, लिया जाता है। जर्सी नंबर 6 रेडर रेड डालते हुए अभी तक कोई पॉइंट नहीं लिया है, बिल्कुल सेंटर लाइन पे जाते हुए। और बड़ी फुर्ती से जर्सी नंबर 2 के भी मिसा कैंट के खिलाड़ी चुस्ती के साथ साथ दिमाग का यूज करते हुए बहुत होशियारी से, जैसे ही बोकाजान के रेडर वापस गए, के भी मिसा कैंट के रेडर ने रेड डालते हुए टच करते हुए एक पॉइंट का इजाफा अपने स्कोर में कर दिया है। के भी बोकाजान के 2 ही खिलाड़ी बचे हैं जिनमें से जर्सी नंबर 1 रेड डालते हुए क्वालिफाइंग लाइन को टच करके इन्होंने क्रॉस कर दिया है, जो रेफरी की बिल्कुल निगरानी में है। जो अब ये वो असफल प्रयास नहीं, बहुत जो असफल प्रयास हमें लग रहा था कि सेंटर लाइन के पास जाके टैकल करने की कोशिश किया, वो एक सफल प्रयास था, बिल्कुल बिल्कुल बैक से, जैसे ही थोड़ा बैक इन्होंने दिखाया जाते समय, तो वहीं पे मौका के भी मिसा कैंट के प्लेयर की तरफ से बहुत अच्छा अच्छा टैकल, सभी खिलाड़ी एक साथ, बहुत टीम वर्क, एक अच्छा टीम वर्क देखने को मिल रहा है केवी मिसा कैंट की टीम में। और केवी मिसा कैंट के कैप्टन जो कोई भी रिस्क ना लेते हुए, उन्हें पता है कि वो आसानी से इस खिलाड़ी को टैकल भी कर लेंगे अगर वो यहाँ पे इस पर टच नहीं कर पाए दूसरी साइड में। और एक दुर्भाग्यपूर्ण रहेगा केवी बोकाजान के लिए, उनकी टीम ऑल आउट हो गई है, और ऑल आउट होने पर एक बड़ा खामियाजा यह भुगतना होता है कि अपोजिट टीम को एक एक्स्ट्रा पॉइंट इसमें मिल जाता है। केवी बोकाजान स्ट्रेटजिक टाइम आउट से पहले बहुत अच्छा खेली थी, और एक अच्छी स्ट्रेटजी मेंटर केवी मिसा कैंट के मिस्टर शाहिद के द्वारा, जो कि एक बहुत अनुभवी खिलाड़ी हैं, नेशनल तक खेल के 2 बार नेशनल खेल चुके हैं, और उसी स्ट्रेटजी का नतीजा है कि इस टाइम स्ट्रेटजिक टाइम आउट के बाद एक अच्छी लीड लेती हुई केवी मिसा कैंट के भी ये बोकाजान के खिलाड़ी जर्सी नंबर 8 रेड डालते हुए बिल्कुल भी उनको बोनस पॉइंट या आगे बढ़ने का कोई चांस नहीं दिया जा रहा है मिसा कैंट की तरफ से। ये भी एक अच्छी स्ट्रेटजी है, और लेकिन असफल प्रयास, अनसक्सेसफुल टैकल, पहले भी इनका जो टैकल रहा जर्सी नंबर 12 का वो अनसक्सेसफुल था, और वंस अगेन ही हैज़ टू लूज 1 पॉइंट। रेडर के जिमी सेकंड की तरफ से जर्सी नंबर 8 रेड डालते हुए फिलहाल सेफ, बिना ना कोई टच कर पाए हैं ना कोई बोनस पॉइंट ले पाए हैं, हालांकि बोनस लाइन इन्होंने रिजर्व नहीं की हुई है, ओपन है पूरी तरह से, लेकिन अभी तक नहीं टच कर रहे हैं। लेकिन रेडर का जो इशारा है उनसे हमें लग रहा है कि शायद उन्होंने टच किया, वो क्लेम कर रहे हैं, लेकिन नहीं, हाँ यस 1 पॉइंट को उन्होंने बिल्कुल रेफरी की तरफ से इशारा कि एक बोनस पॉइंट के रूप में एक पॉइंट का इजाफा केवी मिसा कैंट के स्कोर में। केवी ये बोकाजान के खिलाड़ी एक ही इनके बहुत इम्पोर्टेंट रेडर हैं, जर्सी नंबर एट जो इनके महत्वपूर्ण रेडर, पहले भी ये सक्सेसफुल रेड डाल चुके हैं, पॉइंट लेके गए थे नेक्स्ट में, और इस बार कैप्टन को टच करते हुए केवी मिसा कैंट के कैप्टन के रूप में एक पॉइंट का नुकसान केवी मिसा कैंट को। अब रेड डालते हुए केवी मिसा की तरफ से और एक असफल प्रयास, इसमें समझदारी नहीं होगी, बिल्कुल सेंटर लाइन के पास जाके पकड़ने की कोशिश, वहां से
बहुत आसान हो जाता है रेडर के लिए लाइन को टच करना। और जर्सी नंबर 2 बोकजन के खिलाड़ी रेड डालते हुए क्वालीफाइंग लाइन को टच किया, बोनस पॉइंट लेने की कोशिश कर रहे हैं। अभी तक बोनस पॉइंट का कोई लग नहीं रहा कि वो लोग कुछ ऐसा प्रयास उनका सफल हुआ हो। और एक बहुत ही अच्छा कैच, एक बहुत ही अच्छा टैकल केवी मिसा कैंट की तरफ से, और कैप्टन के की वापसी होगी इसी से। फिर से पूरी टीम केवी मिसा कैंट की मैदान में, सातों प्लेयर यहां पर मौजूद। केवी मिसा कैंट के जर्सी नंबर 2 रेडर रेड डालते हुए जा बहुत अधिक फुर्ती से, लेकिन एक बहुत अच्छा टैकल नंबर 6 जर्सी नंबर 6 पे, एक अच्छा प्रयास और एक अच्छा टीम वर्क, सभी खिलाड़ी एक साथ आ गए। डबल, बिल्कुल डबल हो, डबल स्कोर मिसा कैंट का हो चुका है। केवी मिसा कैंट का स्कोर 20 और केवी बोकाजन का स्कोर 10। स्ट्रेटजिक टाइम आउट से पहले जो लीड 4 मार्क्स की लीड थी, 4 पॉइंट की लीड थी, अब वो डबल हो चुकी है। और इसी के साथ एक पॉइंट, एक नहीं 2 पॉइंट जर्सी नंबर 1 जर्सी नंबर 6 जर्सी नंबर 1 और 6 के रूप में 2 पॉइंट गंवाने पड़ेंगे केवी मिसा कैंट को। और रेडर जो कि बहुत फुर्तीले केवी मिसा कैंट की तरफ से रेड डालते हुए पिछली रेड में भी एक पॉइंट लेके गए थे ये। और एक असफल प्रयास, असफल टैकल जर्सी नंबर 8 केवी बोकाजन की तरफ से, अनसक्सेसफुल टैकल, जिसका परिणाम ये रहेगा कि एक पॉइंट का नुकसान झेलना पड़ेगा केवी बोकाजन। केवी मिसा कैंट का स्कोर बढ़ता हुआ 21 और केवी बोकाजन का स्कोर 13। जो डिफरेंस पहले 10 का था, स्टार्टिंग में 4 का था, फिर 10 का था, अब घट के 8 हो गया है। और रोमांचक मैच यहां पर, एक पॉइंट का इजाफा केवी बोकाजन की तरफ से। ये जर्सी नंबर 12 थर्ड टाइम अनसक्सेसफुल टैकल फ्रॉम द टीम ऑफ केवी मिसा कैंट, एंड जर्सी नंबर 8 जर्सी नंबर 8 फ्रॉम केवी मिसा कैंट क्लेमिंग दैट ही हैज गेन्ड बोनस पॉइंट। वी हैव टू सी आवर रेफरीज डिसीजन ऑन दिस दैट हिज क्लेम इज राइट और नॉट। यस यस ही इज राइट ऑन हिज बिहाफ। 1 पॉइंट इज गिवन, हैज बीन गिवन टू केवी मिसा कैंट। नाउ 4 प्लेयर्स ऑफ मिसा कैंट विल टैकल जर्सी नंबर 8 प्लेयर ऑफ केवी बोकाजन। जर्सी नंबर 8 रेडर ट्राइंग टू टच द कैचर ऑफ केवी मिसा कैंट बट नॉट सक्सेसफुल। आई थिंक नो पॉइंट विल बी गिवन टू केवी बोकाजन। यस, नो पॉइंट इज गिवन, इट वॉज सेफ रेड। एंड दिस टाइम अनसक्सेसफुल टैकल फ्रॉम, नो, दिस इज वेरी, दिस इज सक्सेसफुल। द रेडर ऑफ केवी मिसा कैंट इज कंप्लेनिंग अबाउट केवी बोकाजन। लेट्स सी व्हाट हैपन, दिस मे बी रिजल्ट इन लॉस ऑफ 1 पॉइंट फॉर बोकाजन एंड एनी अनदर डिसिप्लिनरी एक्शन मे बी टेकन अगेंस्ट केवी बोकाजन। स्ट्रेटेजिक टाइम वंस अगेन हैज बीन टेकन बाय मिस्टर शाहिद, मेंटर ऑफ टीम केवी मिसा कैंट। आई वुड लाइक टू टेल समथिंग अबाउट शाहिद, अ वेरी नाइस प्लेयर फ्रॉम फॉर्मर प्लेयर ऑफ केवी मिसा कैंट। ही हैज प्लेड नेशनल फ्रॉम केवी मिसा कैंट 2 टाइम्स। आफ्टर स्ट्रेटेजिक टाइम वी आर बैक अगेन, 3 प्लेयर्स एज कैचर, 4 टैकल फ्रॉम द साइड ऑफ केवी मिसा कैंट। इफ दे make a successful tackle, they will get 1 more point extra because it will be a successful super tackle. This is a super tackle. Super tackle is the condition when 3 or less than 3 defenders get success to catch a raider of opposition team, then they will get 1 point extra for their extraordinary work.
now no point is given to anybody. Now another one, raid from KV Misakant, jersey number 2 player, claiming that he has gained a bonus. He has it is in the observation of our referees. Unsuccessful tackle. One player of KV Bokajan tried to catch the raider of KV Misakant just near up center line. In result of this, they have to lose 2 points, and 2 points has been increased in the favor of KV Misakant. Now we have only 5 players remaining. Those who are catching, those who are defending the raider. Now there is no. Now this is the signal of super raid. This will be a super raid. If a raider from any team goes to catch, anybody player in the opposition, and he unsuccessfully did not get any point in the, then in the third point raid, he has to gain 1 point. That is known as super raid. And successful tackle from Bokajan team. From last 3 or 5 minutes, Bokajan team is coming back, and I think this is a signal of yes, half time. I would like to ask our concerned companion Rishabh ji to tell me score. What is the score by our referees? Misakant is on 27. Misakant is on. Would you repeat again? Bokajan 16. Bokajan 16 and Misakant 27. अभी रुकिए साथियों, जैसा कि आप जान चुके रहे हैं कि केवी मिसाकांत और बोकाजन टीम का एक रोमांचक मैच आपको देखने को यहां पे मिल रहा है, और अभी हाफ टाइम हो चुका है। तो तब तक हम आपकी बात कराते हैं केवी बोकाजन उदालगिरी के जो एस्कॉर्ट सर हैं। धन्यवाद सर फीडबैक देने के लिए। अब ये जो प्लेयर्स आप देख रहे हो अलग अलग टीम के, नॉर्थ लखीमपुर से केवी बोकाजन के कुछ एक्स्ट्रा खिलाड़ी जो बाहर बैठे हैं और दर्शक के तौर पे यहाँ पर मैच देखने आए हैं और देख भी रहे हैं कि जो टीम्स खेल रही हैं और आगे क्वालिफाई कर रही हैं, उनके लिए इन्हें क्या स्ट्रेटजी इनको अपनानी चाहिए, क्या इनकी स्ट्रेंथ हैं। ये हमारे सर कौन से केवी सर? नॉर्थ लखीमपुर से। जी सर, कैसा लग रहा है? आपको अपना अनुभव शेयर करना चाहेंगे आप? सर, दिस इज माई फर्स्ट टाइम, तो बहुत अच्छा लग रहा है आकर। बच्चे भी एक्साइटेड है, फर्स्ट मैच हम अच्छे नंबर से पॉइंट से जीते, तो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि नेक्स्ट मैच भी अच्छा हो हमारे फेवर में। थैंक यू सर। अभी हमारे सभी स्टाफ के जो कमेटीज के जो मेंबर्स हैं अपने काम में लगे हुए हैं, इनमें एक हमारे ऑलराउंडर सर अनिल जी, एक महान शख्सियत, इनसे आप रूबरू कराएंगे हम। जी अनिल जी, कैसा लग रहा है आपको? आपका फर्स्ट RSM है यहाँ पर, कैसा लग रहा है आपको? और ये तो मेरे लिए पहला नया बार था, लेकिन बहुत मजा आया। मैं अपने केवी मिसाकांत के टीम की तरफ से बोलना चाहूँगा, हमारी जो केवी मिसा की टीम जो है जबरदस्त प्रदर्शन, और नेशनल स्तर तक खेलने जाएगी हमारी टीम, और मैं इस बच्चों के लिए बहुत ईश्वर से कामना करता हूँ, ये अच्छा खेले और देश का नाम के साथ अपने स्कूल का नाम भी रोशन करें, और ये करेंगे सर। ये बहुत ही अच्छी टीम हमारी है केवी मिसाकांत की, जो कि अपना भरपूर पूरे जोशों के साथ पूरा परफॉर्मेंस दे रही है। थैंक यू सो मच सर। ओके थैंक यू सर। अब दोबारा से मैच शुरू हो चुका है, हम ले चलते हैं आपके मैच की तरफ। और ये बरपेटा के अभी जो एस्कॉर्ट टीचर्स थे, हाफ टाइम के बाद दोबारा से हम लेके आ रहे हैं आपको मैच की तरफ। यहाँ पर हमारे कुछ और साथी
नमस्कार करते हुए हमारी एक महत्वपूर्ण टीम जो हर टाइम इस कार्यक्रम के आयोजन में अपना योगदान देते हुए, अब दोबारा से मैच शुरू हुआ है हाफ टाइम के बाद। रेड जो है केवी मिसा कैंट के महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट जो रेडर हैं जर्सी नंबर 8 इनकी तरफ से डाली जा रही है। पांच प्लेयर होने की वजह से बोनस का कोई चांस नहीं। एक अनसक्सेसफुल टैकल केवी बोगाजन की तरफ से और जिसका खामियाजा उनको भुगतना पड़ेगा एक पॉइंट देकर, और आठ नंबर जर्सी के कैचर्स को टच किया और एक पॉइंट हासिल किया। अब केवी मिसा कैंट की तरफ से टैकल का चांस, बोनस पॉइंट को रिजर्व करके रखा हुआ, बोनस लाइन को पूरी तरह से रिजर्व किया हुआ, कोई बोनस पॉइंट नहीं देना चाहते। ये भी एक समझदारी है, एक स्ट्रेटजी है जो कि मिस्टर शाहिद ने इनके साथ जरूर शेयर की होगी। जर्सी नंबर 9 रेडर केवी बोकाजन की तरफ से अभी तक कोई पॉइंट नहीं मिला है और बोनस पॉइंट की तरफ से भी इनका कोई क्लेम नहीं अभी तक आया। देखना होगा रेफरी का नतीजा क्या रहता है। कोई पॉइंट नहीं, बिना किसी पॉइंट के ये रेड डाली केवी बोकाजन की तरफ से, और जर्सी नंबर 7 मिसा कैंट के रेडर रेड डालते हुए बोकाजन टीम के खिलाड़ी बिल्कुल लास्ट तक खड़े हुए हैं ताकि उनको कैच करने का एक मौका मिले। और देखना होगा क्या लाइन को टच कर पाए हैं, लग नहीं रहा कि टच कर पाए हैं। अब देखना है डिसीजन रेफरी की तरफ से कि रेडर आउट है या नहीं। जी हाँ बिल्कुल लाइन के पास से उन्होंने टच तो कर दिया था लेकिन क्रॉस करना आवश्यक होता है, जिसकी वजह से एक पॉइंट का नुकसान केवी मिसा कैंट को और एक पॉइंट का इजाफा होता हुआ बोकाजन टीम की खाते में। पांच खिलाड़ी केवी मिसा कैंट की तरफ से एज डिफेंडर टैकल करते हुए बिना कोई पॉइंट लिए सेकंड टाइम जा रहे हैं, तो थर्ड जो रेड होगी वो सुपर रेड होगी। जब मैं अपने साथियों को बताना चाहता हूं, अगर दो रेड एक साथ बिना कोई पॉइंट लिए रेडर चला जाता है तो थर्ड रेड डू एंड डाई रेड होती है, जिसको सुपर रेड भी कहा जाता है, उसमें उनको पॉइंट लेना ही लेना होता है। आपके भी सेकंड के हर फॉर्मूला रेडर जर्सी नंबर 8 जो कि इनकी जो रेडी और रे दोबारा से एक पॉइंट अनसक्सेसफुल टैकल बाय जर्सी नंबर 4 फ्रॉम बोकाजन एंड 1 पॉइंट गोज टू केवी मिसा कैंट। जर्सी नंबर 9 केवी बोकाजन ट्राइंग टू टच द बोनस लाइन एज 6 प्लेयर आर इन द ग्राउंड ऑफ साइड ऑफ केवी मिसा कैंट। जर्सी नंबर 9 बोनस लेने का प्रयास करते हुए और उसी लालच में वो, ये एक स्ट्रेटजी थी, बोनस लाइन पूरी तरह से ओपन रखी गई थी कॉर्नर वाले जो प्लेयर खड़े थे कैप्टन की तरफ से, ताकि रेडर बोकाजन का रेडर जो है बोनस लेने आएगा और वहीं पर गलती करेगा और उसी गलती का खामियाजा बोकाजन टीम को एक पॉइंट के रूप में भुगतना पड़ा। जर्सी नंबर 8 हरफन मोला रेडर मिसा कैंट के और 3 प्लेयर बोकाजन की तरफ से डिफेंड कर रहे हैं, अगर ये 3 प्लेयर सक्सेसफुल टैकल कर लेते हैं तो इसको सुपर टैकल माना जाएगा, क्योंकि 3 या 3 से कम प्लेयर अगर टैकल कर लेते हैं डिफेंड कर लेते हैं तो एक पॉइंट एक्स्ट्रा दिया जाता है, लेकिन कोई प्रयास नहीं बोकाजन की तरफ से। बोकाजन रेड में ही पॉइंट लेने में विश्वास रख रही है इस समय, वो कैच या डिफेंड करके या टैकल करके अनसक्सेसफुल टैकल के तौर पर कोई पॉइंट गंवाना नहीं चाह रहे हैं। ये हो सकता है उनके मेंटर की तरफ से, स्कोर की तरफ से ये स्ट्रेटजी हो कि हमारी जो स्ट्रेंथ है हो सकता है कि डिफेंड ना हो के कैचिंग में हो, रेडिंग में रेडर हो, एज ए रेडर हमें ज़्यादा ज़्यादा पॉइंट लेने हैं। जर्सी नंबर 3 बोकाजन की तरफ से अनसक्सेसफुल रेड दिस टाइम रेड, अब 8 नंबर की जगह जर्सी नंबर 6 केवी मिसा कैंट की तरफ से और असफल प्रयास केवी मिसा केवी बोकाजन की तरफ से, और जिसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा एक पॉइंट केवी मिसा कैंट के खाते में जाता हुआ, और 2 प्लेयर्स को टच कर लिया है तो 2 पॉइंट मिलते हुए मिसा कैंट को। अब ऑल आउट का जो खतरा मंडरा रहा है बोकाजन टीम
के ऊपर, क्योंकि एक लास्ट प्लेयर ही बचे हैं और वो चाहेंगे और उनकी कोशिश रहेगी कि वो अपनी रेड में ही कोई पॉइंट लेकर आए, क्योंकि कैचिंग डिफेंड में सिंगल प्लेयर अगर डिफेंड करेगा तो बहुत ही कम संभावना है कि वो एक सुपर टैकल कर पाएगा। लेकिन ये कई बार संभव भी हुआ है, लेकिन यहाँ नहीं। यहाँ बोका जन की टीम के लास्ट खिलाड़ी जर्सी नंबर 3 टैकल नहीं कर पाए, डिफेंड नहीं कर पाए, जिसका खामियाजा उनको भुगतना पड़ा है। ऑल आउट हो गई है केवी बोका जन की टीम, केवी बोका जन की टीम ऑल आउट। वंस अगेन वी आर बैक टू द मैच, केवी मिसा कैंट एंड केवी बोका जन। स्ट्रेटेजिक टाइम आउट वाज टेकन बाय मिस्टर शाहिद, मेंटर ऑफ मिसा कैंट, एंड स्कोर इज मिसा कैंट इज ऑन 35 एंड बोका जन इज ऑन 18। दिस इज टाइम फॉर रेड फ्रॉम मिसा कैंट, जर्सी नंबर 3 इज ऑन रेड फ्रॉम मिसा कैंट एंड ही इज गोइंग आफ्टर टेकिंग 1 point एज अ बोनस। नाउ रेड फ्रॉम जर्सी नंबर 8 केवी बोका जन ट्राइंग टू टेक बोनस पॉइंट बाय टचिंग द बोनस लाइन, बट मिसा कैंट स्ट्रेटजी इज दैट लेट बोका जन टेक बोनस पॉइंट, इट विल मेक इजियर हिम एंड इट विल क्रिएट चांस टू कैच, टू डिफेंड, टू टैकल द रेडर ऑफ बोका जन। बट इट इज अपोजिट ऑफ हिज देयर स्ट्रेटजी एंड दे हैव टू लूज 1 point एज देयर वन डिफेंडर वाज अनसक्सेसफुल टू टैकल द प्लेयर। नाउ द रेड फ्रॉम मिसा कैंट एंड दिस टाइम अनसक्सेसफुल टैकल फ्रॉम जर्सी नंबर 6 एंड जर्सी नंबर 8 एंड दिस रिजल्ट एज मिसा कैंट विल गेट 2 points एंड मिसा कैंट इज लीडिंग इन दिस टीम, बट बोका जन इज ऑल्सो प्लेइंग वेरी नाइसली। जर्सी नंबर 2 रेड फ्रॉम के लिए बोका जन ट्राइंग टू कैच, ट्राइंग टू रेड एंड दिस टाइम अनसक्सेसफुल टैकल फ्रॉम जर्सी नंबर 9 केवी मिसा कैंट एंड दिस विल रिजल्ट एज अ पॉइंट इन द अकाउंट ऑफ बोका जन। एंड द मेन रेडर ऑफ केवी मिसा कैंट जर्सी नंबर 8 इज ऑन रेड नाउ एंड क्लेमिंग दैट ही हैज टच द लास्ट बोनस पॉइंट बोनस लाइन, इट विल बी डिपेंड, इट विल डिपेंड ऑन आवर रेफरीज, लेट्स सी व्हाट हैपन। दिस इज टाइम समबडी इज अनाउंसिंग एनीथिंग, अनाउंसमेंट फ्रॉम आवर टेक्निकल टीम दैट दे आर अनाउंसिंग द शेड्यूल ऑफ नेक्स्ट मैचेस। नाउ जर्सी नंबर 8 बोका जन टीम ऑफ रेडर ऑफ टीम बोका जन इज ऑन रेड एंड विद अ ग्रेट एंथुसिएज्म ही हैज टेकन अ पॉइंट by touching the player just number 2 of KB second. Now this is time for raid from KB second, raider in jersey number 6 from KB second try to touch the bonus line and jersey number 8 from Boca Jan try to tackle him, catch him, and by this unsuccessful tackle from KB Boca Jan 1 point goes to KB second. Now jersey number 2 Boca Jan's raider has to get one or more than 1 point to come back in this match, because half time has gone and in the second half also, in the second half also Boca Jan is not doing so well. Let's see what is the score, and this is 42 21
एंड 22 40 मीसा कैंट इज ऑन 42 एंड 21 के वी वकाजन स्ट्रेटजिक टाइम वाज टेकन बाय मिस्टर शाहिद मेंटर ऑफ के वी मीसा कैंट वंस अगेन दे आर बैक आफ्टर स्ट्रेटजिक टाइम आउट जर्सी नंबर 3 रेडर ट्राइंग टू क्रॉस द बोनस लाइन एंड ट्राइंग टू कैच anybody any player of KV Bokajan but I think this is the strategy of KV second they are not going to take any risk and they are just passing the time by without getting any point in a raid now six players are there in KV second and bonus points chance is there but After touching the players of KV second, jersey number 2, Raider trying to run away from outside the line, but he did not get any success in it. Now, the captain of KV second. Captain of KV second is on raid, Mr. Marine Man is on raid. As we discussed, this may be the strategy of KV second that his raiders are passing time only. They know that they are on lead. They have taken more than 20 points lead and it will be very tough. It will be very difficult to come back for KV Bokajan. Now, raider of KV Bokajan, jersey number... I'm not able to see what jersey number and this time also successful tackle from KV Misa Kent and 1 point goes to Misa Kent and Raider of Misa Kent is in jersey number 2 on raid and successful tackle from Bokajan jersey number 6 tried to catch the Raider and other teams also other members also spotted him and 1 point goes to KV Bokajan jersey number 8 KV second taraf se raid dalte hue aur ek asafal raid 1 point ijafa KV second ke khate mein ek acha team work dekhne ko mil raha hai KV second ke khiladiyon ki taraf se जर्सी नंबर 6 केवी मीसा कैंट बहुत ही फुर्तीले रेडर और वो क्लेम कर रहे हैं कि उन्होंने पैर से टच कर दिया है जर्सी नंबर 4 को और जो कि उनका क्लेम रेफरी की तरफ से पुष्टि की जाएगी वो सही है या नहीं है बिल्कुल रेफरी की तरफ से पुष्टि कर दी गई है कि 1 पॉइंट केवी मीसा कैंट के खाते में 1 पॉइंट की बढ़ोतरी केवी मीसा कैंट की अब लास्ट के 3 प्लेयर्स बचे हैं ओनली ऑल आउट होने का खतरा दोबारा से मंडराता हुआ केवी बोकाजन टीम के ऊपर जर्सी नंबर 5 रेड डालते हुए और एक सक्सेसफुल टैकल केवी मीसा कैंट की तरफ से एक अच्छा टीम वर्क देखने को मिल रहा है टैकल जब कोई खिलाड़ी के लिए प्रयास करता है मीसा कैंट की तरफ से तो सभी एक कॉल पे उसके साथ टीम वर्क शो करते हुए अब दो ही डिफेंडर यहां पर बचे हुए हैं बोकाजन की टीम में अगर ये डिफेंड कर लेते हैं सक्सेसफुल टैकल कर लेते हैं तो उसको बोला जाएगा सुपर टैकल तीन या तीन से कम खिलाड़ी जब कोई डिफेंड कर लेते हैं सक्सेसफुल डिफेंड कर लेते हैं उसको टैकल कर लेते हैं सक्सेसफुल उसको सुपर टैकल बोला जाता है लेकिन असफल प्रयास नहीं कर पाए असफल रहे और बोकाजन की टीम दोबारा ऑल आउट होने की स्थिति में लास्ट एक प्लेयर बचे हैं जो कि रेडर के तौर पर अभी रेड के लिए जाते हुए और केवी मीसा कैंट की टीम बोनस पॉइंट उन्होंने ओपन रखी हुई है पूरी तरह से ताकि ये इनके रेडर जर्सी नंबर 3 कोशिश करें बोनस लेने की और वहीं पे कुछ गलती करें और जिसका फायदा मिले मीसा कैंट को मैं बताना चाहूंगा केवी मीसा कैंट का स्कोर 48 एंड केवी बोकाजन 22 जैसे कि स्ट्रेटजी है केवी मीसा कैंट की उन्होंने जो अभी रेडर आए थे उनको जाने दिया क्योंकि वो जानते हैं कि उनके लिए आसान रहेगा उस सिंगल डिफेंडर को टच करके एक सक्सेसफुल रेड डालने में उनको कामयाबी मिलेगी
और इसी स्ट्रेटजी के अनुसार काम करते हुए जो कि सक्सेसफुल रहा उनके लिए और परिणाम स्वरूप एक बार फिर से बोका जन की टीम ऑल आउट और ऑल आउट होने की स्थिति में एक एक्स्ट्रा पॉइंट दिया जाएगा केवी मिसा कैंट की टीम को और टाइम अप यहां पर टाइम खत्म हो चुका है, दोनों हाफ खत्म हो चुके हैं और इसमें इस रोमांचक मुकाबले में केवी मिसा कैंट की टीम ने सफलता हासिल की है। केवी मिसा कैंट का स्कोर 51 और केवी बोकाचन का स्कोर 22। केवी बोकाचन की टीम जिन्होंने फर्स्ट हाफ में